Okay, students, open notepad. Actually, scripting language. Offline student, be silent now. HTML is a scripting language, and in this we use different HTML commands. HTML commands are tags. Okay, and always remember, tags are always enclosed within angular brackets. Offline student, look here. Yes. एंगुलर ब्रैकेट में आप कमांड देते हो और एचटीएमएल कमांड को आप टैग करते हो. देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टैग. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल एंड फॉर्मेटिंग. स्ट्रक्चरल टैग एचटीएमएल के फॉर्मेट में है. क्लियर? फॉर एग्जांपल हेड टैग, एचटीएमएल टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, कमेंट टैग. सो वी हैव फाइव structural tags. Akhilesh, clear? How many structural tags? Five. ठीक है. तो अगर पेपर में आ जाए कि नेम एंड इनमें से कौन सा स्ट्रक्चरल टैग है, तो इफ देयर इज अ हेड टैग और एचटीएमएल टैग और टाइटल टैग और बॉडी टैग, ठीक है, इनमें से अगर आपके पास कोई भी फाइव टैग में से कोई भी टैग आ रहा है, इट मींस दैट टैग इज अ स्ट्रक्चरल टैग. रेस्ट ऑफ टैग्स आर फॉर्मेटिंग टैग. सेकेंड कैटेगरी container tag and empty tag. Is tag that start with having a starting and ending is called container tag. ठीक है, starting में और जब आपने close करना है तो आपने slash लगाते हो. ठीक है, और empty tag are those tag in which there is only starting but there is no any ending. And one question for you, for example, I have one img tag. Now tell me, this is a container tag or empty tag? Another way to represent this, एक तो वे है कि आप starting करते, closing नहीं करते. एक और वे भी है. Any student? Yes. At the end. ठीक है? It is another way to show that this tag is an empty tag. पेपर में आ सकता है कि ये जो slash है, what it represent? It represent it is a empty tag. इसके बिना भी हो जाएगा, पर अगर आप लगा दोगे देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. क्लियर? नाउ इन एचटीएमएल टैग देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, बट रिमेंबर वन थिंग, वी कैन इग्नोर दिस स्ट्रक्चर. इट इज अ फोर्थ लाइन. यू विल लिसन मी और गो आउटसाइड. Now in the HTML there is a proper structure, but if you ignore that structure, HTML will not generate any error. Tell me the reason why HTML is not generating any error. No, HTML is not a programming language. ठीक है, क्योंकि programming language में in programming language there is a proper syntax. If there is any breakage of that particular syntax, the error will be there. Jaise C++ hai, Python hai, isme aap single error bhi karoge to error aayega. For HTML is a scripting language, it is not a programming language. This is for a web pages, not for making programs. Okay, this is the main reason. Now next is HTML is the basic language for websites. It means if you in future if you want to use PHP, these are very advanced languages. These are programming language for websites. In that case, HTML is required. आपकी basic structure HTML के रहते हैं और coding embed हो जाती है with the help of script tag. ठीक है, आपको script tag लगाना पड़ता है, बाकी सारा कुछ same रहता है HTML का. इसका मतलब ये हुआ, without HTML you can't create web pages. Clear? So HTML is the only language for creating web pages. And in which language HTML language was created?
टेन नहीं, इट इज इन XML, ठीक है, किसमें बनी हुई है बेटा ये XML में क्रिएट हुई है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ HTML, एक देयर इज अनदर क्वेश्चन, द प्लेस वेयर वी टाइप द कोडिंग इज कॉल्ड एडिटर, ठीक है। मैं आपको पाइथन का एडिटर दिखा रहा हूं, ये देखो बेटा पाइथन का एडिटर जिसमें आप पाइथन की कोडिंग टाइप करते हो, ये देखिए बेटा, ऐसे विजुअल बेसिक का अलग एडिटर होता है। इन द सेम वे इन HTML देयर आर डिफरेंट एडिटर्स, बट बाय डिफॉल्ट व्हिच एडिटर वी आर यूजिंग, दैट इज नोटपैड। देयर आर सम GUI बेस्ड ग्राफिकल, इसमें आपको मैं एक बता रहा हूँ, फ्रंट पेज, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, देयर इज अ ड्रीम वीवर, ये आपके पास GUI है, नो नीड टू टाइप द कोडिंग, ओनली ड्रैग द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने इमेज इंसर्ट करनी है, क्लिक ऑन इंसर्ट, क्लिक ऑन पिक्चर, क्लिक ऑन फ्रॉम फाइल, पिक्चर विल बी इंसर्टेड, और कोडिंग ऑटोमेटिकली जनरेटेड, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स। रीजन इज इफ यू हैव अ कमांड ऑन टेक्स्ट कमांड, इफ यू हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ टेक्स्ट कमांड्स, यू कैन लर्न बेटर, अदरवाइज आपको आपने कुछ लर्न नहीं किया, अगर कोडिंग ऑटोमेटिकली बन गई तो आपने कुछ लर्न नहीं किया। फॉर प्रोफेशनल्स दी सॉफ्टवेयर्स आर वेरी, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज HTML, प्रॉपर स्ट्रक्चर इज रिकमेंडेड। इन स्ट्रक्चर यू विल हैव टू डिफाइन HTML, वन मोर थिंग, HTML कोडिंग यू कैन टाइप इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, देयर इज नो एनी केस सेंसिटिविटी, ठीक है, but because in future you will have to learn programming language, theek hai, to aapne kya karna hai, coding small letter mein type karo, kyunki future mein jitni languages hongi, whether it is a C++ language, whether it is a python or ASP, php, java, in all these languages are in small case, so better to type in small case. HTML tag, it indicates starting of your web page. ये simply indicate करेगा कि आपका जो web page है वो HTML का page है. It is a container tag and parent tag of other tags. Inside this tag, there are two sections. One section is head tag, another is body. So here is head tag and head tag close. And here body tag start, and body tag close. In head tag, we contain all the activities that are executed in the background. वो background की activity है, screen के ऊपर visible नहीं होती. For example, in Google you search your web pages. For example, CBSE, तो CBSE की website आ जाती है. ये searching word कहाँ पे define होते हैं? In head tag. In head tag के अंदर एक टैग होता है, दैट इज कॉल्ड मेटा टैग, ठीक है। तो ऐसी कमांड्स, ऐसी एक्टिविटीज जो बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती हैं, जो आपके पास सर्च इंजन के लिए वर्क कर रही होती हैं, जो सर्वर के लिए वर्क कर रही होती हैं, या फिर CSS फाइल्स जो आप इंक्लूड करते हो, ये सारी आपके पास कहाँ पे डिफाइन होती हैं? अंडर हेड टैग। दे आर नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर उनकी विजिबिलिटी नहीं है, बट बैक एंड, बैक में वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। बट देयर आर सम एक्टिविटीज दैट आर इन फ्रंट ऑफ व्यू, मींस ऑल द कंपोनेंट्स, हेडिंग, इमेज, टेबल दैट आर विजिबल इन ब्राउजर आर डिक्लेयर्ड इनसाइड बॉडी टैग। क्लियर? टू सेक्शंस ऑफ HTML, पेपर में भी आ सकता, हाउ मेनी सेक्शंस, टू सेक्शंस, वन इज हेड, अनदर इज बॉडी। इन हेड टैग all the background activities are defined, but in the body tag all the components, all the controls which are visible in browser are defined inside body tag. Now in head tag, one common a very common tag we define, that is title. Clear? In title tag we define the title of your web page. This is defined in the title here. But remember one thing, don't use any bold, italic, underline, these things.
because these attributes will not work on title tag. Beta, this is with the help of CSS. Listen, beta. Yes, offline students. Sometimes there is a thumbnail in address bar, title bar में जो thumbnail आ रही होती है उसकी किसी भी वेब पेज की, फॉर एग्जाम्पल स्वामी संदास की वेबसाइट खोलोगे तो वहां पे भी आ रही है, ये सारी की सारी CSS से डिफाइन होती है. क्लियर? अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू स्टॉप टॉकिंग, इफ यू वॉन्ट टू डू वेरी गुड प्रोग्रामिंग इन वेबसाइट, द बेस्ट वे इज लर्न CSS. क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इन 99% वेबसाइट्स वी आर यूजिंग CSS एंड there are so many dynamic effects which we can give in the, for example, dotted border we can't give in of a, any table we can't give in HTML, but in CSS this is possible, different styles of border. Clear? Now in the title tag, it is a container tag. Here we define a text that is visible in title bar, for example first page. So after that, close the title tag, and these are structure of your HTML. If you want to, head tag is closed. नहीं बेटा, yes students. Head tag will be closed immediately before body tag. Body tag से पहले इसका बंद होना चाहिए. नहीं होता बेटा. बेटा मैंने आपको ये कहा कि in HTML if you ignore rules it is acceptable. But structure is this one. ठीक है? Now in body tag define any text. ठीक है? Any contents कुछ भी आपने display करना है. For example, better wait for 2 minutes. Yes, can be in a body tag we define my first web page now save your how to save your web page click on file click on save beta here one important thing give the name of the file with extension .htm or .html suppose my file is new.html now here type as here you will take all files not text file sometimes it create problem so take here all files and if you want to save your file in desktop select desktop and click on save button open this file in any browser this is your web page ये बंद है 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 ये बंद है
Now, if you want to change the size of contents, your text material, there are two methods. Use font tag or use H1 to H6 tag. Okay. Here H1 stands for heading level 1 up to heading level 6. H1 to H6. So here I am using H1 tag. And also close H1 tag. It is a container tag. I am copying this contents and using different H1. Here H2. H3. H4. H5, H6. Save your page and refresh your. Here, give it up. From H1 to H6. Yes. Now, here in H1, one feature is here. Here, line break. Automatically, line break will appear. H1A, H6, H1 to H6. So, we have to use the line break. Line will be automatically changed. So, here is in H1, there is only one attribute. Yes, which attribute better? Align. Only one attribute of H1, that is align. Align equal to right, align equal to center. Or align by default it is left, so you can't no need to give a align equal to left. By default it is a left alignment. Here give it up. Here is left alignment, center alignment. After H1 tag, another way to control the size of your contents is font tag. Okay, so main yahan pe font tag beginning mein de raha hu, but font tag mein inbuilt feature nahi hai line change ka. It has how many attributes? 3 attributes: size, color, and face. Face means font style. So here I type Swami Sandas Public School. I save this and in browser, ye dekho beta, font size is very small. So if I want to increase the size or if I want to change the color, there is a font tag. Use here font face equal to Arial, then color equal to red, and third one is size equal to 7. Font tag is a container tag, so also close the font tag. Now I am refreshing the page. Okay, students, if I am not defining a font face, how the in which font the data is displayed? Beta, mujhe batao ki in case agar main yahan pe font face define nahi karta to browser mein kaun sa format aata hai, kaun sa face aata hai isme iska? Beta, it is defined in the browser. Browser ki settings mein aapke paas define hota hai. ठीक है कि आपने किस फॉर्मेट में डाटा, किस स्टाइल में डाटा यू वांट टू व्यू, इसे डिफाइन इन ब्राउजर. क्लियर? वन क्वेश्चन फॉर यू बेटा,
देखते किसको आंसर आता है इसका. व्हाट इज टीटी टाइप फॉन्ट? दिस शो हाउ मच सीरियस यू आर अबाउट योर स्टडी. नो यस राघव. अदरवाइज कंप्यूटर इज अ सो इजी सब्जेक्ट. ये देखो बड़ा इधर स्किपिंग फॉर्म है. ट्रू टाइप फॉन्ट. दीज फॉन्ट नाउ लिसन. सुन लो बेटा, जब आप व्हेनेवर यू इंस्टॉल एनी फॉन्ट, यू डाउनलोड एनी फॉन्ट एंड इंस्टॉल योर फॉन्ट, आपके पास इन कंट्रोल कंट्रोल पैनल फॉन्ट ऑप्शन इज हियर. डबल क्लिक हियर आपके पास आ जाएगा जो जो फॉन्ट आपने इंस्टॉल किए हुए. मैं बेसिकली करा रहा, ये बहुत इजी है. पर जिस फॉन्ट के साथ टीटी लिखा हुआ है, दीज आर ट्रू टाइप फॉन्ट. दीज फॉन्ट्स आर दोज फॉन्ट्स व्हिच आर यूनिवर्सल. ये हर एक कंप्यूटर में, हर एक विंडो में प्री इंस्टॉल्ड है. आपको एरियल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, टाइम न्यू रोमन इंस्टॉल करने की जरूरत होती, ठीक है? Because these are pre-installed, these are available in all the browsers. Oh, sorry, all the computers. ठीक है? इसके if your font is not true type, तो मेरे पास एक font है. मैं एक अपनी जैसे example ले रहा हूँ. Font name is Poser T-Mark. Clear? मैं एक वैसे name ले रहा हूँ. आपने लगा दिया T-Mark font आपके computer में था. जब वो वेब पेज मेरे क्लाइंट के कंप्यूटर में ओपन होगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, बिकॉज दिस फॉन्ट इज नॉट इंस्टॉल्ड इन माय कंप्यूटर. सो दिस फॉन्ट इज नॉट ट्रू टाइप. ठीक है? तो यू एज ए प्रोग्रामर, एज ए वेब डेवलपमेंट, यू विल हैव टू कंसिडर विच टाइप ऑफ फॉन्ट यू विल हैव टू यूज इन योर वेबसाइट. क्योंकि ऐसे फॉन्ट अगर आप यूज करोगे जो दूसरे के क्लाइंट के कंप्यूटर में नहीं होंगे, तो ऐसे फॉन्ट ऑटोमेटिकली एरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे या टाइम न्यू रोमन में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो रिमेंबर दिस. तो फॉन्ट ऐसे होने चाहिए दैट आर यूनिवर्सल ट्रू टाइप. तो ऑलवेज यूज ट्रू टाइप. ये देखो बेटा इधर इन एमएस वर्ड इन फ्रंट ऑफ फोन देयर इज अ वर्ड टीटी. ये ट्रू टाइप फोन, ठीक है? ये पर्सनलाइज्ड है. आई इंस्टॉल्ड दिस इन माय कंप्यूटर, ठीक है? दिस इज दीज आर नॉट यूनिवर्सल. दिस डिपेंड ऑन द यूजर कि वो उसे इंस्टॉल कर रहा है या नहीं कर रहा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉन्ट. सो Is attribute of font tag, face, color, and size. And remember, maximum size is 7. If I am giving here 10 or 20, font size 10 or 20, but maximum is 7. ठीक है? तो आप इसको दे भी दोगे, there will be no any effect. Suppose I am taking here 20 or 10. I am saving this. तो फॉन्ट उतना ही रहेगा. राघव वन क्वेश्चन, इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ अगेन हियर इज मैक्सिमम साइज 7. इफ यू वांट टू इंक्रीज इट अबव द 7, व्हिच फीचर? कहां से आप अप्लाई करोगे? कौन सा मेथड है? देयर इज ओनली वन चॉइस और मेथड, दैट इज CSS. In CSS there is no any limit. आपका टेक्स्ट का साइज नियर अबाउट 100 तक भी चला जाएगा. बेटा बेस फॉन्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर फॉन्ट टैग. क्लियर? अप्लाई फॉर बेस फॉन्ट, मैक्सिमम साइज इज 7. एनी डाउट हियर? यस बॉयज, दिस साइड एनी डाउट बेटा? कोई भी डाउट है आपको? सो अप्लाई दिस कोडिंग. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा.
Sir, we can use base font instead of font also. But difference between offline students, now difference between base font and font tag. ठीक है, इनमें main difference क्या है? Similarity क्या है पहले? Similarity between base font and font tag. First, both are used for text formatting. Both have in three attribute font. Font कौन से attribute font में? Face, size and color. Same is in the case of base font. अब difference क्या है? Font tag is a container tag. Base font is a empty tag. Font tag change the code, apply formatting of a block. Starting or ending font में जो भी text होगा उसके ऊपर apply होगा उस block के ऊपर. But base font is used to change the basic setting of browser. Browser की basic setting क्या है? Yes, tell me. Font color black. ठीक है, साइज उसका है. ठीक है, ये सारे के सारे बेसिक जो आपने ब्राउजर की सेटिंग को चेंज करना है, देयर इज वन कांसेप्ट दैट इज बेस फॉन्ट. इज इट क्लियर? सो एनी डाउट हियर? सो नाउ टाइम इज ओवर. नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द मीटिंग. थैंक्स ऑल माय स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. टेक केयर. बाय बेटा. बाय सर.